सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। राखो अपनी शरण प्रभ मोही कृपा तारी, सेवा कछु ना जानो नीच मूरखारी, मान करो तुझे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे। हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। ज्यों बुलावे त्यों बोले स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साधु संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड भिख भिख खाही। माया मोह परम पै भूले, सुतदारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत चम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। सतनाम वाहे गुरु साहिब जीओ। शलोक महला तीजा, कामण तौ शिंगार कर, जा पहला कंत मनाए। मत से जय कंत ना आवई, एवं बिरथा जाए। कामण तौ श्रृंगार कर, जा पहला कंत मनाए। मत से जय कंत ना आवई, एवं बिरथा जाए। कामण फिर मन मानिया, तो बनिया शिंगार। किया तो परवान है, जा शौ धरे प्यार। पौ शिंगार तंबोल रस, ले तन किया शिंग। पौ शिंगार तंबोल रस, भोजन पाओ करे।
तन मन सौंपै कंत को तौ नानक भोग करे। पाओ श्रृंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे, तन मन सौंपे कंत को तौ नानक भोग करे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब दी गोद विच बैठ इतिहासक पन्नियां ते अपने खून नूं डोल के चित्रे हुए उन्हां इतिहासक दृश्यां नूं कोमल जी दे ढाडी जथे ने आप जी दे सन्मुख रखिया। कलू घरे दियां बातां सानू समझाइयां ने, गुरमत दी विचार साहब कृपा करे साडे हिरदे दे विच वस जाए। अज हजूर ने कृपा कीती, मनुख की जिंदगी का एक बड़ा वड्डा भरम है, उहदे विचों कढ के सतगुरु जी ने सानू धर्म की दुनिया विच जोड़िया है। अमृत बचन बख्शिश किते ने, पहला अपने मालक नू मना, पहला तो अपने मालक नू निश्चित कर। जे तू पति नू पाउणा चाहुंदी है, हजूर ने गुरबाणी विच अनेकां रिश्तियां दे नाल सानू रब नाल सांझ पवाई है। उन्हां विचों एक रिश्ता है पति पत्नी का। साहब कहिंदे तैनूं छड्ड के जंगलां विच जाण दी लोड़ नहीं। एक पति पत्नी अपना जीवन किवें गुजारदे ने, अगर तू उहदे विचों सिख्या लै लवें ते तू मालक दे घर परमेश्वर दे घर निरंकार दे घर अपनी थां बना सकना है। इहदे विचों भी सिख्या जा सकदा है, इहदे विचों भी रब दे चरणां विच जुड़िया जा सकदा है। हजूर ने एक स्त्री की उदाहरण देके जिमें वह अपने पति के घर दियां खुशियां प्राप्त कर लेंदी है, इसे तरह हजूर आखते ने कहिंदे बंदिया तू रब दे घर दियां खुशियां प्राप्त कर सकना है, मालक दे घर दियां रहमतां दा भागी बन सकना है। पर उहदे लई कुछ शर्तां, उहदे लई कुछ विचारां असीं अपने जीवन विच धारण करनियां ने। एक बेनती और करां, यह हकीकत है, स्पष्ट है गुरु की बाणी के अंदर। नंबर एक, सबना सोहरे वंजना सब मुकला बनहार। एक दिन असी सारिया ने अपने मालक के घर जाना है। थोड़ी एकाग्रता बनाओ, मैनू नहीं इस तरह आनंद आता। वाहिगुरु जी, बेनती करन लगा सां, एक बारी प्यार सत्कार नाल आखो सतनाम वाहिगुरु। दस बेनती कर रहे सी। पहली गल ते पले बनन वाली अपने जीवन विच भी हो सकता है, दुनियावी तौर ते तां किसे स्त्री दा रिश्ता होवे किसे दा ना होवे, पर जिहड़ी परमार्थ दी गल है उहदे इक्को ही सिस्टम है सारिआं लई, सभना सोहरे वंजना सब मुकला बनहार। सभना नूं इक दिन इस दुनिया तों जाणा ही पैणा है। दूजी गल, फिर दुनिया विच पति भी इक्को ही है, पति कोई दो नहीं, एका पुरख सबाई नार। इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई, केवल एक परमेश्वर है पति साडा,
ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਾਤੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਏ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ। ਪਤੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ, ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝੋ ਜੇ। ਸਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪੰਗਤੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਕਾਮਣ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸਤਰੀ, ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈ। ਕੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਪਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕਾਂ, ਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਪਤੀ ਮੰਨ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਗਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ, ਤੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਕਈ ਟੀਕੇਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਇਆ, ਮਨਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਮਨਾਏ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਮੰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕ ਲੈਣਾ, ਟਿਕ ਲੈਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣ ਲੈਣਾ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਤੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਇਸਤਰੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਚੁਣ ਲੈ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤੀ ਚੁਣ ਲੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ,
कोई कबरां नूं पूजी जांदा है, कोई वर्त रखी जांदा है, किसे नूं इस गल दा पता नहीं भी मेरा पति कौन है। हजूर कहिंदे पहला इह तां निश्चित कर लै भी मेरा पति कौन है। पंक्ति मैं एक बार फिर दोहराउणी चाहुंदा, एका पुरख सबाई नार, पति ते है इक है, बाकी तो सारियां सी उहदियां स्त्रियां। पहला तो फैसला कर भी मेरा पति कौन है, पहला पति चुन लै, पहला पति सिलेक्ट कर लै भी मेरा पति कौन है, फिर शिंगार करी। क्योंकि जे कल तू पति बना दवे तो पति तेरा होवे ना, तू शिंगार करके बैठी होवे ते तेरा पति का तेनू मिलाप ना होवे, फिर तेरा शिंगार भी तेरे लिए दुखदाई हो जाएगा। पहला पति चुन भी पति कौन है। गुरु की है, गुरु एक विचोला है, गुरु नू पता है जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। गुरु नू पता भी मेरा पति कौन है, ते गुरु नू पुछ लै भी मेरा पति कौन है, गुरु दसेगा भी तेरा पति कौन है। पहले पति निश्चित कर लै, पहले पति सिलेक्ट कर लै, फिर तू शिंगार करी। कामण तो शिंगार कर, जब पहला कंत बनाए मत सेजै कंत ना आवी, एवें बिरथा जाए। जे तेरे जीवन दे अंदर तेरे परमेश्वर नाल तेरा मिलाप ही ना होया, फिर तेरा शिंगार कीता किस पक्ष विच है। एक पल मैं इत्थे रुकण लगा और पहला मैं तुहाडे कोल खिमा भी मंगना है। साहिब ने जोगी दे शिंगार उत्ते तर्क कीता सी, कहन लगे भलिया तेरे कन्नां विच पाईआं मुंदरां शरीर ते मली विभूत यह दसदी है भई तू रब नाल जुड़िया होया। जोग शब्द का अर्थ ही जुड़ना है, जोगी का अर्थ जुड़िया होया। पर मैं जदों तेरे अंदर झात मारना है तो मैनू तेरे अंदरों कुछ होर लभदा है। अंतर अगन बाहर तन स्वाह, गल पाथर कैसे तरह था। कह लगे अंदर तेरे अग वसदी है, बाहरों तू स्वाह मांगू, अपने आप को प्रगट करदा भी मैं तो सड़ बुझ गया ते मैं अपनी जिंदगी दी समुचियां भावनावां नूं खत्म कर लिया। बाहरी तौर ते तू ये प्रगट करदा पर अंदर तेरे वो कहानी हजे तृष्णा दी अग, हजे ईरखा दी अग अंदर तेरे उवें मचदी है। जे हिंदू वीर नूं कहा ते उहनूं भी इहो गल समझाई, कहण लगे भलिया मत्थे टिक्का तेड़ धोती कखाई। मैं सोचा सी भी तेरे मत्थे ते टिक्का है, ये धर्म की निशानी है, ते तेरे लक नाल बन्नी हुई धोती यह भी एक धर्म की निशानी सी तेरे मुताबिक। पर जदों मैं तेरा जीवन वेखिया, जीवन कहो जिहा, हथ छुरी जगत कसाई, हथ भी तेरे छुरी है ते लोगों नूं वढ के खाण लगे होए हैं। बाणा तेरा की है ते तेरे अंदरूनी जीवन की हालत की है। जे साहबा ने मुसलमान आख्या तो मुसलमान भी एक गल समझाई, कहन लगे भलिया मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान कहावे। तेरा शिंगार ते दसदा भी तू मुसलमान है पर तेरे जीवन का किरदार नहीं दसदा भी तू मुसलमान है। मैनू कहन दी आग्या दिओ, जे अज सिख का शिंगार भी सिखां वर्गा ते होवे पर इहदा किरदार सिखां वर्गा ना होवे ते गुरदेव फिर इहनू भी कहिंदे ने, कहिण लगे भलिया एक गल चेता रखी, रहत अवर किश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखों गंढ लाभत, जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख ना काहू भीन, अवर उपदेश है आप ना करे, आपत जापत जन्मे मरे। एक बेनती और करनी चाहना ते दास कई बारी अर्ज सांझी करदा है। दोनों गल्लां च एक बड़ी वड्डी गल है, आम करके शिंगार जिहड़ा बाजारां च विक जांदा है। शिंगार कोई औखा नहीं है, शिंगार दा जिन्ना भी समान है वह बाजारां विच विकदा है। पर जिहड़ा किरदार है ना वह किरदार कदे नहीं विकदा, करैक्टर कदे नहीं विकदा, मनुख दा चाल चलन कदे नहीं विकदा, वो तो अपने जीवन में पैदा ही करना पैंदा है। जे सजना तेरा शिंगार धर्मियां वाला है ना तो तेरा किरदार भी धर्मियां वाला होना चाहिए। पहली गल तेरे को किरदार होवे,
दूजी गल तेरे को शिंगार हो फिर तू आस रखी भी तेरा पति नाल प्यार बन सकता है। प्यार तीजी अवस्था है, उस तो पहला तेन दो पड़ा पूरे करने पैणगे। वह दो पड़ा अपने करन दे हुंदे ने, पहला शिंगार भी अपने करन दा हुंदा है ते किरदार भी अपने आप बनाउणा पैंदा है। मुड़ के तेनू प्यार मिलेगा मालक दे घर तों, पर प्यार तेनू तां नसीब हो सकदा है जे तेरे कोल इह दो चीज़ां होवन। शिंगार बड़ा सौखा है, मैं ते कई बारी समझना है। सतगुरु जी ने जिस दिन सानू शिंगार भी दिता सी ना, ते बड़ी वड्डी गल चणका के दिता सी। याद रखियो जे गुरु अर्जन पातशाह की शहादत होई ते तां दो कृपाना उत्ते आईयां सन। कदे इतिहास दे पन्ने पढ़ो, पहला गुरु अर्जन पातशाह की शहादत होई तां दो कृपाना उत्ते आईयां। फिर याद रखियो जे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत होई तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज ककार सानू दिते। शिंगार भी गुरु ने बड़ा समझा के दिता सी, पर अज बदकिस्मती है। अज मैं समझ रहा, अज असी सिक्खी एडी कु सौखी कर दिती, जिहड़ा जी करदा कि साढ़े वालों ककार फ्री मिलणगे, वह भलिया ककार फ्री नहीं मिलन लगे, ककार ते बड़ी वड्डी कीमत दे के मिलन लगे ने। अज तू अपनी जिंदगी वेचण लगा, अज तू गुरु कोल अपना सिर वेचण लगा, अज तू गुरु कोल अपना जीवन वेचण लगा, अज तू गुरु कोल अपनी जिंदड़ी वेचण लगा, ककार फ्री नहीं मिलन लगे, तेरे मन का भुलेखा होगा। शिंगार कदे इवें नहीं मिलना, तेरे गुरु के चरणों में आ, गुरु दर तो ही दात लै। जेडे बाजारी शिंगार होंगे ने, साहब ने उन्होंने कोई बहुती अहमियत नहीं दिती। चौंकड़ मुल अनाया वह चौंकै पाया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्रह्मण थीआ। कहन लगे चार कौडिया का जनेऊ तू मुल लेके आ गया, तो उन्होंने गल च पा के तू सोचता मैं धर्मी बन गया। इवें धर्मी नहीं बनिया जाता सजना। मैं तो अपने सिखा जे ककार भी दिते ने, जिहड़ा शिंगार भी दिता है, मैं शिंगार भी कीमती दिता है ते मैं किरदार भी कीमती दिता है। इन्हां दे अंदर मैं वह किरदार रखिया है, जिहड़े किरदार नूं पा के कल कोई यह नहीं कह सकता कि सिखां दा शिंगार आए ते किरदार आए। जे मैं धर्मी किरदार दिता तेनू मैं धर्मी शिंगार दिता है। साहिब आखते ने कहन लगे भलिया मत सेजै कंत ना आवई, तेनू रब ते मिलिया कोई नहीं। साडे ककार सानू दसते ने भी रब नाल जुड़िया होया, साडे कर्म की ने, ककार भी पाए हुए ने, शराब दियां बोतलां भी पी जाने, ककार भी पाई जाने, नशे भी बेची जाने, ककार भी पाई जाने, दाज भी ले जाने, ककार भी पाए हुए ने, लड़कियां भी मारी जाने, ककार भी पाए हुए ने, रिश्वत भी ले जाने, ककार भी पाए हुए ने, बुरे कर्म भी करी जाने। साहब कहिंदे भलिया एक गल चेता रखी, लोग तेरे शिंगार तो अंदाजा लाउंदे ने भई तेरे जीवन विच गुरु गोबिंद सिंह वसदा होवेगा। तेरे किरदार तो लोग, तेरे शिंगार तो लोग अंदाजा लाउंदे ने। जे किते ए होया मत सेजै कंत ना आवई, एवें भया विकार। कहन लगे तू लख वारी अमृत छाके, जे उस किरदार दा मालक नहीं ना बनदा फिर तेरे मत सेजै कंत ना आवई। किते ए ना होवे तेरे जीवन विच तैनू रब मिले ही कोई ना, एवें भया विकार, विकार ही ना चला जावे। एक बेनती करां, हाथ जोड़ के गुरु चरणां च इक अरदास करिया करिए, साहिबा जे तू मैनू अपने मिलाप दा शंगीता है ना, एक मेरे ते रहमत कर, मेरे ओ किरदार भी बन जाए, मेरे अंदर ओ तेरा प्यार भी बन जाए, मेरे अंदर ओ मेरा पति पल जाए, लोग निराश ना होवन। अगलियां पंक्तियां ने बड़ियां प्यारियां, कामण पिर मन मन तो बनिया शिंगार, मन फिर मन मानिया। कामण का अर्थ है इस्त्री, ऐ इस्त्री जे पति का मन मन गया तां तेरा कीता हुआ शिंगार साकार है, लाभदायक है, चंगा है, नेक है। जे तेरे जीवन में शिंगार करके भी तेनू पति नहीं ना मिले। छोटी जी एक गाथा कहनी चाहना, एक गाथा तुहानू किते वक्त मिलिया प्रोफेसर पूरन सिंह जी होरां ने
बड़ी रंग रतली रूह है। तो उन्होंने कई किताबां लिखिया ने, उहदे विच एक किताब है बड़ी प्यारी, नौ लखा हार। किताब का नौ भी नौ लखा हार है, तो इसे लेख के उत्ते किताब का नौ लिख लख रखिया होया। तो उहो लेख मैं तुहाडे नाल सांझा करन लगा। एक राजे दीयां दो राणियां सी, उहदे विचों एक राणी छोटी उम्र की सी, उहदे वल राजे का झुकाव बहुता सी। वड्डी राणी नूं उहने घरों कढवा दिता। वह दूर महलों तो एक छोटा जिहा घर बना के रह रही है। दस साल बीत गए, छोटी राणी नूं एक तकलीफ होई। मैनू इस गल की समझ नहीं लगी, मैं घर बार सब कुछ खो लिया, उहदा पति खो लिया, पर हाले भी वह कि गलों खुश है। रब का सबब दोनों के घर नौकराणी इको ही सी, जिहड़ी खास नौकराणी सी वह इको ही सी। वही वड्डी राणी के काम कर घर काम करती सी, वही छोटी राणी के घर काम करती है। तो उन्हें एक दिन वड्डी राणी ने, छोटी राणी ने यह गल पुछी भी तू मैनू यह दस भी वड्डी राणी खुश क्यों है। मैं उसका घर बार ले लिया, उसका पति खो लिया, आखिरकार वह निके जे घर च रह रही है, उन्हें राणिया वर्गी कोई सहूलत नहीं है। नौकराणी कह लगी भी जिहड़ी वड्डी राणी है ना, उहदे कोल पति की इको एक निशानी है, नौ लखा हार। किसी वेले उन्हें बहुत खुश होकर उन्हें दिता सी, ते जदों कदे राणी का मन उदास हुंदा वह नौ लखा हार कढ लैंदी है, कदे सामने रख लैंदी है, कदे गले पा लैंदी है, तो उन्हें पा के बड़ी खुशी महसूस करती है, वह खुश हो जाती है। यह गल सुनी तो छोटी राणी ने मन में विचार बनी भी राजे नूं इन्ना पसंद होएगा जिहड़ा उन्हें उन्हें दिता है। उन्हें उन्हें सुनेहा भेजिया वड्डी राणी नूं, कहण लगी भी तू जिहड़ा नौ लखा तेरे कोल हार है, यह तो मैनू किसी कीमत ते दे सकनी है। तू हार की करना, तेरे कोल पति नहीं आउंदा, तू हार की करना, तू पति दे घर नहीं वसदी। छोटी राणी का सुनेहा वड्डी राणी नूं जाके नौकराणी ने दिता। वड्डी ने राणी ने उस वेले हथ जोड़ के एक गल कही, कहन लगी उन्हूं कही भई एक दिन वास्ते भावें आप नाल आ जाए, एक दिन वास्ते तू पति मेरे घर भेज दे, आप भावें नाल आ जाए, मैनूं कोई इतराज नहीं। एक दिन पति मेरे घर रह के जाएगा ना, ते नौ लखा हार शाम नूं मैं उहदे नाल भेज देंगी। उन्हें उमें किया, जाके वापस सुनेहा दे दिता छोटी राणी नूं। छोटी राणी कहन लगी है ते काम ही बड़ा सौखा है, ये तो काम ही बड़ा सौखा, मैं खुद नाल जाना है, दिने अपने पति नूं भेजना है, ते वो थोड़ा समा रह लेगा, नौ लखा हार मिल जाएगा, मैनूं मेरे पति की खुशी मिल जाएगी। उन्हें दिन निश्चित कर लिया। उस दिन पति ते छोटी राणी, राजा ते छोटी राणी ते होर कुछ खास नौकर चाकर वो नाल गए, वड्डी राणी दे घर गए। उन्हें अज वह खाना बनाया जिहड़ा उहदे पति नूं पसंद सी, अज उन्हें वह कपड़े पहने जिहड़े उहदे पति नूं पसंद सी, अज उन्हें घर नूं उस तरीके नाल शिंगारिया जिहड़ा उहदे पति नूं पसंद सी। सारी दिहाड़ी उत्थे रहा। राजे ने अपनी भुल की एहसास भी किया भी मेरी गलती है, बहुत लंबा समा हो गया, मैं मुड़ के तेरी खबर भी नहीं पुछ सकिया, मैं अपने कमां च उलझ गया, ते मुबारक तू अज तक मैनू याद रखे है। सारियां गल्लां बातां होईयां। जदों राजा शाम नूं तुरन लगा ते वड्डी राणी ने हार शिंगार के चंगी तरह डब्बे विच पा के ते उहनूं देता। राणी नूं कहण लगी लै भलीए, आ मेरे पति दे एक दिन घर विच रहण दी कीमत नहीं है, इहनूं कीमत ना समझी,
मेरे कोल होर कुछ हुंदा शायद अज मैं ओह भी तेरे चरणां च अर्पण कर दिंदी। इहनू कीमत ना समझी भी मेरे पति दे इक दिन रहण दी कीमत है। इह ते कमला गाई 9 लख दा, जे किते वध किन्ने लखां दा हुंदा मैं ओह भी अर्पण करके तेरे चरणां विच बेनती करदी भी तूं बड़ी किरपा कीती है, एक दिन पति मेरे घर रहा है, मैं अपने हत्थी खाना बना के इहनू खवाया है, मैं अपने हत्थी इहदी सेवा कीती है, ते अज तो बाद भावें मौत भी आ जाए ना ते हुण मैं सुरखरू होके मर जांगी, मैनू इस गल का कोई दुख नहीं होगा, बस इक्को दिन की मैनू जरूरत सी, मैं एक दिन जाण तो पहला अपने पति की सेवा कर सकां। जदों राजे नू इस गल का पता लग्या, राजा उस वेले बिस्तर ते बैठ गया। छोटी राणी कहन लगी भी जाना नहीं, कहन लग्या माफ करना तेनू हार चाहिए सी, तू हार ले जा, इहनू हार नहीं चाहिए, इहनू पति चाहिए, मैं ते हुण इहदे कोल ही रहांगा जिहनू पति चाहिए, तेनू केवल हार चाहिए सी, तू अपना हार ले जा। यकीन करके जाने हो, बंदा जिंदगी भर गुरु हर वारी एक गल कहिंदा, पुत तू गुरु कोल आके कहा कर, सब ना जीआं का इक दाता सो मैं विसर ना जाई। असी भी उस सुहागण मांगू करने हैं, असी गुरु नूं रोज दिहाड़े कहने हैं मैनू आ दात दे, मैनू आ दात दे, दातां दी लिस्ट गुरु कोल रोज रख देने हैं, पर जदों गुरु पुछदा है भी पुत कदे मैनू भी अपने हिरदे च बुला लै, ये कहिंदा दातिया मैनू तेरी लोड़ नहीं है, तेरे वालों दित्तियां हुईयां दातां दी लोड़ है, मेरा सुभाव इहो जिहा बन गया, दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नहीं मरण बेचारा, दात ते प्यारी है पर इहनू दाते नाल प्यार नहीं। हजूर ने जिन्नी वारी इहनू बचन आखे सन, कहन लगे मैं चाहुंदा तू दात नाल प्यार दी बजाए दाते नाल प्यार कर। गुरबाणी विच मैं बहुत लम्मा नहीं जा सकना, बाकी शब्द भी विचारने ने, गुरबाणी विच याद रखण योग बात है, जेड़ी दाता नाल प्यार कर दी उन्हूं साहब ने कुचजी आख्या। अरबी बाणी विच सूही बाणी विच सूही राग विच ये अमृत बोल ने। खैर आप अपनी गल वल चलीए, जेड़ी बेनती कर रहे सां हजूर सच्चे पातशाह कृपा करदे ने, कहन लगे कामण पिर मन मानिया तो बनिया शिंगार, किया तो प्रवान है जां शो धरे प्यार। तेरा कीता हुआ शिंगार ताई प्रवान है जे तेरा पति खुश हो जाए, जे तू मालक दी रहमत ले सके, तेरे पाए हुए ककार तद ही किसे लेखे विच ने, जे तेनू गुरु नाल प्यार बन जाए, मालक नाल प्यार बन जाए, साई नाल नेड़ता हो जाए। साहिब दा अमृत बोल है, पाओ शिंगार तंबोल रस भोजन पाओ करे, कहन लगे स्त्री आ शिंगार कर, की शिंगार है भाओ शिंगार, भाओ का अर्थ हुंदा डर अदब, रब दे अदब का शिंगार कर। एक गुरबाक वल होर ख्याल करियो, साहिब दा अमृत बोल है ना, यानड़िए मानड़ा काय करे अपनड़े कर हर रंगो की ना माने, शौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे, पैकियां दे सलाइयां नैनी भावका कर शिंगारो, ता सुहागण जानिया लागी जां शै धरे प्यारो। कहन लगे तू ता शिंगार तेरा कबूल हो सकता है, अपने अखां विच भै दियां सलाइयां दे, शर्म दियां सलाइयां दे, मालक नूं याद रख के उहदे भै विच उहदे अदब विच तुर। माफ करना, एक ते सानूं समझाया ही नहीं गया, असी सोचते अमृत छक लिया तो काम पूरा हो गया, अमृत छकना तो इवें सी जिवें स्कूल विच दाखला लिया है, उस तो बाद बाकी सारी तैयारी करनी सी, ये तो शिंगार है, फिर किरदार भी बनाउना सुहागवती वाला, मेरा किरदार भी बने ताकि मेरा पति मैनू प्यार करे। हजूर आखते ने, कहन लगे पाओ शिंगार रब दे अदब दा शिंगार कर, तंबोल रस। कुरबाणी विच तंबोल शब्द बहुत बारी आया, तंबोल शब्द दा अर्थ है, मैनू माफ करियो मैं सीधे शब्दां विच गल कहनी चाहुंदा है, उहदा कारण है क्योंकि उस तो बिना पता नहीं लगना, खास करके अजोके बच्चियां नूं। अज ते मनुख दे कोल शिंगार दीआं कई चीज़ां ने, पुराने समें दे विच
मैं फिर दोबारे तुहाडे कोल हाथ जोड़ के खिमा मंगना क्योंकि गुरबाणी दी विचार है इन मैं लुको भी नहीं सकना। पुराने समय दे विच लिपस्टिक नहीं सी हुंदी ते लोक बेचारे घरां च आम सादा जीवन गुजारते सन। अज वर्गियां शहरां दी सहूलतां बहुतियां नहीं सन ते पिंडां विच जीवन गुजारते सन, सादगी वाला जीवन गुजारते सन ते अज वांगू ब्रश ते टूथपेस्ट भी नहीं सी हुंदी। उदों पुराने समय दीआं चीज़ां नहीं है, अजोके समय दीआं चीज़ां ने। उदों लोक दातन करदे सन जां जदों कदे किसे लड़की ने अपने सहुरे घर जाना हुंदा सी तां उहनूं उहनां दिनां विच तंबोल खवाया जांदा सी। तंबोल एक पान वर्गा हुंदा है ते पर उह नशे दा अंग नहीं हुंदा, अज उह नशे दा अंग है। उह तंबोल खा के उहदे मुख तों स्मैल ना आवे ते उहदे बुल रंगे जाण, यह पुराने समय का एक शिंगार सी। क्योंकि गुरबाणी भी शब्द बहुत बड़ी आया तो अजोके समय से यदि कोई पाया नहीं है। पाओ शिंगार तंबोल रस, कहन लगे रब दे प्यार दा, रब दे अदब दा वो शिंगार कर। तो जिहड़ा तू अपना मुख रंगना चाहनी है इस्त्री, तो एक गल यकीन कर रब दे प्यार दा रस पैदा कर। असल विच जे रब दे प्यार दा रस तेरे मुख विच पैदा हो गया तैनू बाकी चीज़ां दी मुथाजगी नहीं है। भोजन भाव करे, भाव का अर्थ भी प्यार हुंदा है। कहन लगे रब दे प्यार दा भोजन कर, अपने घर में जिहड़ा भोजन तैयार कर वो रब दे प्यार दा भोजन तैयार कर। शब्द थोड़ा जिहा औखा है, तवज्जो दे के समझना। हजूर सच्चे पातशाह कृपा करदे ने, तन मन सौंपै कंत को तो नानक भोग करे। कहन लगे अपना तन अते मन अपने साईं दे चरणां विच समर्पित कर दे तो नानक भोग करे, फिर तू मालक दे मिलाप दा सुख माण सकनी है। उस तो बिना तेनू मिलाप दा सुख नहीं मिल सकदा। जे तेरे मन विच समर्पित भावना नहीं है तू मालक दे घर दी खुशी प्राप्त नहीं कर सकदी। हजूर सच्चे पातशाह ने अगले श्लोक विच जिक्र कीता बड़ा प्यारा, महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार। काजल का मतलब तुम समझते हो अखां विच पाउण वाला सुरमा। फूल अपने बदन दे उत्ते शरीर दे उत्ते फुल्लां नूं सजाउणा। तंबोल रस ते ए अपने मुख नूं रंगण वास्ते तंबोल खाणा। ले तन किया शिंगार, तन का अर्थ है इस्त्री। ए सारा कुछ करके इस्त्री ने अपने आप का शिंगार कर लिया। शेजै कंत ना आयो एवें पिया विकार। कहन लगे भलीए शिंगार नाल अपने आप नूं सुहागवती ना समझी। बड़ा प्यारा शब्द है, बड़ा ध्यान दे के समझियो। जे तू कल्ले शिंगार पा लिया ते ए सोचे भी मैं धर्मी बन गई, तेरे मन दा भुलेखा है। जे कोई लड़की शिंगार करके अपने आप नूं सोचे भी मैं सुहागवती बन गई, ए तेरे मन दा भुलेखा। सुहागवती पति दे मिलाप नाल ही बन सकना। तू तू धर्मी तां बन सकना जे तैनू तेरा पति परमेश्वर मिल गया। जे तैनू तेरा पति परमेश्वर नाल मिलिया तू वैसे ही शिंगार करके धर्मियां वाला जिंदगी च फिरदा रहा। फिर एवें इस गलों ये आस ना रख भी मैं धर्मी बन गया, बल्कि शिंगार करके भी अपने मालक के चरणों में कबूल होना उहदे दर ते अरदास करनी पैंदी है। असी की करने हैं, देखो कोई मापियां दे घर लड़की होवे ते सुहागवती वाला शिंगार कर लवे ते ओह मापियां नूं कहे भी मैनू ब्याहण दी लोड़ नहीं, मैं ते सुहागण ही हाँ, कोई उस गल नूं मन्नेगा भी नहीं बचीए तू गलती कर रही है। शिंगार कदे सुहागवती नहीं बनाउंदा। शिंगार तां पति दे मिलाप विच सहायक है, एक मददगार है, सिर्फ मदद कर सकता है पर यह तैनू सुहागण नहीं बना सकता। इसे तरह केवल ते केवल धर्मियां वाला शिंगार पाके विचरना, यह ना समझ लईए भी मैं धर्मी बन गया। यह धर्मियां वाला शिंगार है, धर्मी मैं उस दिन बनांगा जिस दिन धर्मियां वाला किरदार भी मेरे मालक का प्यार भी मैनू मिल जाएगा। यदा अर्थ एवें ना लेना भी शिंगार नहीं करना चाहिए, धर्म का कदाचित नहीं। मुबारक जिन्हां कोल रब दा शिंगार है। हजूर आखते ने काजल फूल तंबोल रस ले तन किया शिंगार,
ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨਾ ਆਇਓ ਐਵੇਂ ਭਇਆ ਵਿਕਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ। ਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਪਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਅੰਦਰਲਾ ਚਾਨਣ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਨੇ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਉਹ ਮੂਰਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਵਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਲੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝਾਤ ਮਾਰਨੇ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਲਾਕ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੀ ਸੁਹਾਗਣੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਧੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦਾ ਆਪ ਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਧੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਧਰਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ 62 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਗਾਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਏ। ਕੋਈ ਅਮਰੋ ਨੇ ਥਾਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਨ ਪਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਆਂ, ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ ਪਿਰ ਕਹੀਆਂ ਸੋਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੌੜੀ ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵਈ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਭੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਅਦਬ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਰੀ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਆਮ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਜਗਣ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਹਾਗਵਤੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਂ ਧੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਿਛੋੜੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤੀ ਵਿਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਨੀ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਕਹਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਅਦਬ ਹੈ,
पति भावें परदेसी बैठा है पर पत्नी के मन में अदब है अपने पति का, पति भावें परदेसी बैठा है पर पति के मन में अपनी पत्नी के प्रति अदब है, तो यकीन करके जाने हो दूर बैठे हुए रिश्ते भी कदे फिके नहीं हो सकते। जे अंदर एक दूजे के प्रति समर्पित भावना नहीं है तो कोल रहिंदिया भी रिश्ते कदे गूढ़े नहीं हो सकते, ये दूर रहिंदिया भी रिश्ते कदे फिके नहीं हो सकते जे कितने अंदर प्रेम की भावना पैदा होवे। तो हजूर सच्चे पातशाह ने कृपा की पै बिन भगत ना हो बई, जे तेनू रब का अदब ही नहीं है, जे तेनू रब का भय ही नहीं है, जे तेनू रब का डर ही नहीं है तो एक गल यकीन करके जानी तू धर्म के राह ते नहीं तुर सकेगा। पै बिन भगत ना हो बई, नाम ना लगे प्यार, सतगुर मिले भौ उपजे पै पाए रंग सवार। सतगुरु नाल मिलके अदब पैदा हुंदा है, सतगुरु सानू दसदा है भई रब किड्डी कु ताकत दा मालक है ते रब ने साडे ते किन्ने परोपकार कीते ने। फिर जिंदगी दे विच इह प्रीत पैदा हुंदी है, सतगुर मिले भौ उपजे पै पाए रंग सवार, तन मन रत्ता रंग स्यों होमे तृष्णा मार। गुरु नाल मिलदा है सेवक, फिर उहदे जीवन विच आ तब्दीली आउंदी है केड़ी, ओ अपने तन विचों ते मन विचों होमे नू अते तृष्णा नू खत्म करदा है। समा अपना नेड़े हो गया, दोए जिहड़े रोग ने ना ये बड़े भयानक ने, गुरबाणी विच दोनों दा जिक्र कीता होया है। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा नंबर एक, नंबर दो होमे दीर्घ रोग है, बाकी काम नू क्रोध नू लोभ नू मोह नू इहनू दीर्घ रोग नहीं आखिया, ये छोटे रोग ने, ये जल्दी समाप्त हो जाते ने। पर एक तृष्णा ते एक जड़ी होमे है ये बड़े दीर्घ रोग ने, दीर्घ मतलब बड़े रोग ने, भयानक रोग ने, बहुत औखे इलाज होंदा इन्हां दा। ते साहब आखते ने कहन लगे दोवें चीजा किते मालक नू मिल जाए गुरु नू मिल जाए फिर तेरे जीवन दे विचों तब्दीली आ सकती है, तेरा तन भी ते तेरा मन भी प्यारे दे प्यार विच रंग दा अर्थ प्यार, प्यारे दे प्यार विच रंगिया जाएगा ते तेरे अंदरों जिहड़ियां चीजा तेनू रिश्ता नहीं निभाउण देंदियां ओह होमे अते तृष्णा खत्म हो जाएगी। मन तन निर्मल अत सोहना भेटिया कृष्ण मुरार। कहन लगे तेरा तन अते मन ये निर्मल पाप पवित्र हो जाएगा अते अत दा सोहना हो जाएगा। कृष्ण मुरार भाव ओ परमेश्वर निरंकार वाहिगुरु जी। एक पल होर तुहाडा लवां, ये गल चेता रखो, शब्दावली समाज बनाउंदा है। फिर दोहरावां, शब्दावली हमेशा समाज बनाउंदा है। ज्ञान किसे पैगंबरी दा हुंदा है, ज्ञान किसे पैगंबर दा हुंदा है, शब्दावली समाज दी हुंदी है। सतगुरां ने भी जेड़ा रब्बी ज्ञान है उह समाज दी शब्दावली विच वरताया है, समाज दी शब्दावली विच कृष्ण इक नां है, उहनूं भगवान कहिंदा है। हुण साहिब ने शब्दावली ते कृष्ण दी उह लई है पर विचला ज्ञान उन्हां दा हजूर दा अपना। कहण लगे तू कृष्ण कहना ते तैनू यादव कुल दा कृष्ण याद आउंदा है, मैं कृष्ण कहना ते मैनू रब याद आउंदा है, है दोवें शब्दावली इको ही है कृष्ण ही है। इसे तरह राम दी, इसे तरह हिंदू धर्म की जिहड़ी भी शब्दावली है उहदे विच जिहड़ा ज्ञान है वह पैगंबरी ज्ञान है, पर शब्दावली दुनिया की है। सतगुरां ने आखिरी पंक्ति बख्शी है, भौ भाओ सब तिस दा सो सच वरत है संसार। भाओ अदब, भाओ प्यार, प्यार अते अदब उस रब दा रख, उस परमेश्वर दा रख, उहनू कंत बना जिहड़ा सारे संसार अंदर सो सच वरत है संसार, जिहड़ा सारे संसार अंदर सच होके वरतदा है, तू उहदा प्यार अपने हिरदे विच रख। गुरु कृपा करे असी ओहे जे धर्मी बन जाइए जिहदे नाल साडा रब नाल प्यार बन जाए।
रब दे दर ते प्रमाण हो सकी है। भुला चुकां दी खिमा। कल रोज तो श्री दरबार साहब दे विच जो कुछ साका वरतिया सी उहदा इतिहास आपां मुंडो शुरू करना है भई किवें ओ सारा कुछ भाणा वरतिया ते क्यों सिंघां ने हथियार चुके ते एडा वड्डा कदम चुकिया सी उहदा सारा पछोकड़ सारी तस्वीर तुहाडे नाल दास ने सांझी करनी है ते जिवें जिवें वक्त बनिया उवें उवें सांझ पावांगा। भुला चुकां दी खिमा। अदब नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।